बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार अल्लाह पर पढ़ लें। ये एक दोस्त है, उनका एक मसला था, इधर सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। इस तरह कि अपने को प्लेट बनवानी है, ये कहाँ से बनेगी, बाहर निकालने वाली है। इम्तियाज भाई, ये जो लेथ मशीन वाले होते हैं ना, तो वो बना के देते हैं लोहे की। ये जो वाइशर जो आपके हाथ में, या फैजान भाई से आप रब्ता कर लें। अच्छा, ये उन्होंने कहा कि उनसे मेरे से रब्ता कर लें। उनका कुछ रब्ता हुआ और फिर मैंने जवाब दिया। अब मैंने जवाब क्या दिया, ये प्लीज़ सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम, फिर भी उम्मीद आपकी सीट ठीक होगी। ये मैंने आपको नंबर भिजवा दिया। इसे कब कहा जाता है, ये हर डाई का एग्जैक्ट साइज बनता है, उस साइज के मुताबिक बनाया तो आपकी जो जो साइडों में क्रैकिंग आती है ना, वो आपकी साइडों में क्रैकिंग भी खत्म हो जाएगी और जो सोप है उसकी फिनिशिंग भी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो सेम एग्जैक्ट उसी साइज का बनेगा जो आपकी डाई है। और आपको एक स्ट्रोक जो है वो भी, अगर आप मैनुअल स्टैम्पिंग कर रहे हैं तो आपको स्ट्रोक भी कम लगाना पड़ेगा और आपका जो सोप जो वेस्ट है वो भी कम निकलेगी। ये मैंने नंबर आपको भिजवा दिया, इनसे बात कर लें। ये आपको इसी का कॉपर भी बना के देंगे, अगर आप लोहे का कहेंगे तो वो लोहे का आपको बना देंगे, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसी का बनवाएं। ये जो ब्रास है, कॉपर तो नहीं कहते, ब्रास कह लीजिए, इसी का बनवा लीजिए और एग्जैक्ट उनको साइज बता दीजिएगा कि आपकी कितने ग्राम है और वो आपकी जो डाई है वो चौड़ी कितनी है, लंबी कितनी है, ऊंची कितनी है। ये तीनों डायरेक्शन आप उनको बताएंगे तो उसके मुताबिक वो जो आपको कप बना के दे देंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने उनको जवाब दिया। और किसी भी और दोस्त का कोई भी और सवाल हो तो प्लीज़ हमसे रब्ता कीजिए, हम कोशिश करेंगे कोई ना कोई उसका हल निकाल सकें। अस्सलाम वालेकुम।